सुबह में है। वन टू थ्री बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की टीम है, इसने ब्राजील में होने वाले वर्ल्ड कप 2014 में तीसरी पोजीशन हासिल की है। ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से लड़ता है। हवा हवा है हवा, खुशबू लुटा दे। जीने 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 पाकिस्तान। जनों से और इश्क से जोर से जोर। ये वही बात है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाइए, बहुत सारी तालियां बजाइए। वेरी नाइस, लवली ऑडियंस, लवली ऑडियंस। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये वही बात है जो मैं आपसे कर रहा था, लेकिन आज इस सेट की जितनी मुझे खुशी है उससे कहीं ज़्यादा एक बात का दुख है। वज़ीर दाखला पंजाब शुजा खानजादा साहब जो हैं वो एक खुदकुश धमाके में जो हादसा कल हुआ है उनके डेरे पे, उसमें वो शहीद हो गए हैं। उसके अलावा 22 हलाकतें और हैं। तो ये एक ऐसा कदम है, ऐसा बुजदिलाना फेल है कि जिसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती। अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये ऑब्वियसली एक दूसरी बहस है। क्यों ऐसा हुआ है ये एक अलग बहस है, लेकिन ये मुझे पता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। शुजा खानजादा साहब एक बड़े बहादुर आदमी हैं, बहादुर आदमी थे, और उनकी खिदमात हमेशा हम सब याद रखेंगे। मेरे ख्याल में वो उन लोगों में से थे जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि पाकिस्तान में तब्दीली को आना चाहिए। उसके लिए उनको किसी पोलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए उनको किसी बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए उनको सिर्फ अपनी ज़रूरत थी। और वो उसी तरह से हमेशा बात करते थे जैसे उन्हें पता हो कि अगर मौत आ भी जाएगी तो ये सौदा महंगा नहीं होगा। और कल उन्होंने शहादत पाई, बहुत सारे और लोग उनके साथ शहीद हुए इस हादसे में। हमारी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं कि वो उनको इस सब्र जमील से गुज़रने की तौफीक अता फरमाए, इस सब्र आजमा लम्हे से गुज़रने की तौफीक अता फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र दे, और मरहूमीन को और जो शहदा हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जात पे फाइज करे। लेकिन एज ए नेशन ये हमारी ज़िम्मेदारी है, एज पीपल ऑफ पाकिस्तान ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब इस किस्म की कोई बात हो तो हम उसे कंडेम करें। हमारे हौसलों को पस्त नहीं किया जा सकता, हमें रोका नहीं जा सकता कि हम पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं, पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं। अमन चाहते हैं कराची में तो अमन चाहते हैं पेशावर में, अमन चाहते हैं अटक में तो अमन चाहते हैं लाहौर में, अमन चाहते हैं पाकिस्तान में तो अमन चाहते हैं हिंदुस्तान। हम वो लोग हैं जो अमन के दाई हैं, हम वाकई ये चाहते हैं कि अमन हो जाए। तो मैं अपने शो का आगाज़ जो कर रहा हूँ वो इसी बात से कर रहा हूँ, उस दुआ के साथ कर रहा हूँ कि उनकी कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं जाएगी। हमने बार बार 14 अगस्त के दिन शहदाए पेशावर की बात की थी, उसके बाद ये हादसा हो गया। जाहिर है इसे नहीं होना चाहिए था। हमारी तमाम तर कंडोलेंसेज जो हैं वो उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं जो शहीद हुए हैं, और अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, और जितने भी शहदा हैं उनके दर्जात को बुलंद करे, और उनको जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम पे फ़ाइज़ करे। कोई लफ्ज़ नहीं होता जब इस किस्म की कोई बात होती है, तो कोई लफ्ज़ नहीं होता। आप किसी को तसल्ली नहीं दे सकते, आप उनसे क्या कहेंगे, आप उन्हें कुछ नहीं बता सकते सिवाय इसके कि हमारे पास तसल्ली के लिए एक चीज़ है कि वो पाकिस्तानी हैं, और हमको इस बात पर फ़ख्र है कि उन जैसे लोग पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। उन जैसे लोग, वो कर्नल थे, रिटायर्ड थे, और उसके बाद उन्होंने वज़ीर दाखला पंजाब का ओहदा संभाला था। बहरहाल दहशतगर्दी कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, उसे कंडेम करना चाहिए। ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, हम इसे कंडेम करते हैं। कल मैंने एक ट्वीट लिखी थी, एक फेसबुक पे स्टेटस लिखा था पाकिस्तान हिंदुस्तान से दोस्ती के मुतालिक। अल्लाह करे कि कभी एक ऐसा दिन मैं भी देखूं कि जब हम एक दूसरे को दुश्मन देखना छोड़ दें और एक दूसरे के दोस्त बन जाएँ। बट एनीवेज़, आज का ये शो हम उन्हीं लोगों के नाम करते हैं। द शो मस्ट गो ऑन, जाहिर है ज़िंदगी चलेगी, हम बात भी करेंगे, हम हंसेंगे भी, बोलेंगे भी, गाएंगे भी, लेकिन याद रखिएगा अपने उन शहीदों को कभी फरामोश मत करें
जिन्होंने पाकिस्तान की बका में, पाकिस्तान की सलामती में और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में कायम अमन के लिए अपनी अपनी जानों का नजराना पेश किया। बजाइए 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 बजाइए। आज अच्छा और दिल से बजा लें तो बहुत ही अच्छा होगा, एक बार और बजा लीजिए। वेरी नाइस। आज थैंक यू। आज हमारा ये नया सेट जो है ये ओपन हो गया है, आप लोग खुद दिल से बताएंगे कि नया सेट आपको कैसा लगा है। I love the colors, I love everything about it. लेकिन सबसे बढ़ के ये कि मैं ये सारा फैसला के शो के अंदर अब क्या होगा ये अपने ऑडियंस में छोड़ रहा हूँ। आज मैं उनकी कॉल्स ले रहा हूँ, वो किस किस्म का शो देखना चाहते हैं ये मेरे ऑडियंस मुझे बताएंगे। Yes. हम हमेशा किसी चीज़ से इब्तदा करते हैं तो इब्तदा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को बुला लूँ। गाना पहले करें या पहले मेहमानों को बुला लें, बता दीजिए। मेहमानों को बुला लें, मेहमानों को तालियां तो बजाइए, मेहमानों को बुला लें। ऑलराइट, आज सिर्फ बिंदास फन का शो है। आज कुछ नहीं करना, आज कोई हम आपको भाषण नहीं देने वाले, कोई मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि अगर तुम यूं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। आज तो सिर्फ मजे मजे का शो है, मजे मजे की बातें करेंगे। और आज सबके लिए हमने आप लोगों के लिए 50,000 रुपए कैश रखे हैं। जो 2070 में हम आपको देंगे, 2070 में। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई रखे हैं आपके लिए 2070 में। आप में से जो जो जिंदा बचेगा और अगर हम बच गए तो 50,000 आपके। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फरा नवाज। बहुत सही तालियां फरा के लिए। फरत नवाज। हेलो, oh there you go, farat ke liye bahut sahi taaliyan। all right, bahut sari taaliyan pinky ke liye। pinky aaiye, aa jaiye pinky। aaiye। बजाइए मिस परी हाशमी। आइए आइए। ओ विनीता सॉरी। एक मिनट मैं देख लूं कि कौन है। ओ देयर यू गो मिस परी हाशमी, फाइनली। यस ईशा, बहुत सारी तालियां ईशा नूर के लिए। कम ऑन ईशा, हेलो, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, समन आबेद, आइए जी आइए। थैंक यू जी, प्लीज आइए आइए। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में हूं। इतनी बहुत सारी खवातीन, एक अकेला मैं। दिस इज रियली नाइस, वेरी नाइस, वेरी कूल जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत ही खूबसूरत सेट आपने लगाया है। आप लोगों ने मुझे एक और मुबारकबाद देनी है। हाँ जी, शादी है। अच्छा, वो तो आपकी हो चुकी है। किसकी शादी करवा रहे हैं, किसकी मुबारकबाद है, ये पूछना चाह रही थी मैं। अच्छा, अगर शादी इंसान की हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। एक शादी बस, दूसरी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। यकीन जानिए मैं आपसे हरगिज नहीं करूंगा। और अब यकीन करिए, नहीं करूंगा मैं। लेकिन अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुबारकबाद किस बात की है, हम थोड़ा सा जरा फूले नहीं समाते जब हम ये बात करते हैं। हाँ जी, नॉट ओनली हमारा चैनल नंबर वन चैनल है न्यूज का, हमारा ये मॉर्निंग शो न्यूज का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रेटिंग्स और नॉट रेटिंग्स के एतबार से ये शो है। बहुत
और सीरियसली और हमने जो नंबर स्कोर किए हैं पिछले रमजान से जो ये स्ट्रीक शुरू हुई है, अल्लाह ताला टच वुड, अल्लाह ताला हमेशा इसको कायम रखे। लेकिन हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हमारी टीम की बहुत सारी मेहनत है, तो मेरी पूरी टीम के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। It's all teamwork. It's all teamwork. So how are you guys? आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह वैसे का वहाँ पे मेन्यू देखो ना, बहुत कलरफुल सेट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह इतने सारे कलर्स अपने सामने देख के। आप तो मुझे भी लग रहा है इतने सारे कलर्स अपने सामने देख रहा हूँ मैं। It's beautiful. इतने सारे कलर्स। I feel very feminine. मुझे बहुत मैं woman like feel करता हूँ। It's all women. आप लोग माइंड मत कीजिएगा अगर मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ। मुझे ये बताएं सर से जो आपने मेन्यू लगाया है भाई, हम मंगवा सकते हैं? ये मैं क्या मेन्यू कह रही हूँ लगा? हाँ तो हम मंगवा सकते हैं ये हॉट कोको और तुम्हें क्या? तुम्हें पता ना कि मेरे और तुम्हारी शादी करने ना करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तुम्हारा जहन। ये प्रॉप है, ये प्रॉप है, तो क्यों आपने मेन्यू लगाया हुआ है? ये प्रॉप है, इट्स कॉल्ड प्राइस लिखी है 8.5 रुपए 5.5 रुपए। तो अच्छा अगर मैं मंगवा दूंगा तो आप पैसे देंगे? किसी बात को भी तालियां पीटने लगते हो, ठहर जाओ सुनो। ये तो सेम वही बात हो गई कि जब लिखा हुआ होता है किसी भी, हम जाते हैं शॉपिंग करने तो बड़ा बड़ा लिखा होता है जी सेल 50% ऑफ, सेल 50% ऑफ, अप टू 50% छोटा सा लिखा होता है। नहीं जी मैडम, ये तो हमने वैसे लगाया है, तो क्यों पागल बनाते हैं? और सेल वाले रैक्स अलग है, आपको कॉफी मिलेगी, कॉफी जो है वो 10.95 की है, टी जो है वो 8.50 की है, मिल्क जो है वो 20 रुपए 25 पैसे का है, हॉट कोको जो है वो 7.25 का है, फ्रेश जूस 19.50 रुपए का है, एग जो है वो 5 रुपए के, ऑमलेट 5.50 के, सैंडविच 5.50 रुपए 10 पैसे के, फ्रेंच टोस्ट 8 रुपए के, नहीं है रुपए इतना सस्ता कैफे है। तुम लोगों को जाना कम होता है इसलिए मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ ये रुपए के अंदर, वरना असल में ये पाउंड्स का है। आप रुपए बोल रहे हो, ये छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा अच्छा, डू यू गाइस लाइक दिस? सीरियसली, डू यू गाइस लाइक दिस? या आई डोंट नो व्हाट दिस इज, मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या है, बस इट इज समथिंग व्हिच इज ब्यूटीफुल। लेट्स टेक अ फोन कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इन लोगों के लिए प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनके लिए जरा गेस्ट के लिए कॉफी ले आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से आपके गेस्ट हैं। इनमें अच्छा एक बात बताइए, इनमें सबसे प्यारा कौन लग रहा है? चलो ये तो गलत बात है, सारे सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। गुड, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रही, कोई एक तो अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा। इन 6 लोगों में से कौन सबसे अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं मेरा नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं। ये क्या सवाल था, कौन प्यारा लग रहा है? क्या मतलब है? नहीं, 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 बहुत प्यारा लग रहा है सब। उसने देखा भी है कि नहीं? अच्छा सीरियसली, व्हाई यू बीइंग सो सेंसिटिव? इट्स ओके, सिर्फ उसका नाम ले लेंगे बाकी दोस्त। नहीं 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 अच्छा, बट सीरियसली, मॉर्निंग शोज इसलिए अच्छे होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं कि हमने उनको थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश की, एंड आफ्टर वी हैव कम हमने कुछ ना कुछ उसको बदला है। आपने पिछले 2 वीक में देखा था कि मैं मुसलसल बाहर कर रहा था शो, उसका रीज़न ये था कि ये शो, ये सेट जो था वो बन रहा था। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ समा का, अपनी टीम का, और साथ साथ मेरी वो टीम जो SLF के लिए काम करती है, साहिलोदी फाउंडेशन के लिए काम करती है। हमने जो 13 अगस्त का शो किया था उसमें 400 पेशेंट की जो तादाद है वो हो चुकी है। हर रोज़ साहिलोदी क्लिनिक पे 400 पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं और उनका इलाज होता है सुजानी टाउन के अंदर। वी कवर्ड दिस, समा कवर्ड दिस, सो मैं ऑन बिहाफ ऑफ साहिलोदी फाउंडेशन आई वांट टू से थैंक यू टू माय टीम एंड समा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो आजकल क्या हो रहा है फरहत, ये बताइए पहले तो बताओ मेरा सेट कैसा लग रहा है, ये कैसे प्रॉप्स कैसे लग रहे हैं, सच्ची सच्ची बताओ, फैल जाओ तुम लोग सेट पे, फैल जाओ सीरियसली, फैल जाओ। उसके बाद मेरा ड्रेस देखें काफी मिलता है कलरफुल। एक कॉल और है, एक कॉल और है, एक कॉल और है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, साइज सेट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये शहला जफर बोल रही हैं?
मिसेस शाहिद कैसा लग रहा है सेट? अच्छा लग रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सेट लग रहा है. आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, गेस्ट भी बहुत अच्छे आई हुई हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ, बहुत अच्छा. और बनीदा के तो जवाब नहीं, जो एक ड्रामा इनका चल रहा है. इनकी तारीफ ना कीजिएगा. आज मैं इनकी तारीफ करूँ और सेट का भी. और आप कह रहे हैं जन्नत, आपको तो आप कितने खुशनसीब है, आपको भी थोड़ी देर के लिए जन्नत मिली हुई है शायद. बहुत तालियां बज रही थी और इनको टेप करवाते थे. जी जी मैं सुन रहा हूँ. शायद आपने मुझे पास दिए थे मगर मिले नहीं. मेरे मियाँ की डेथ भी हो गई बीच में और मैंने आपको 7 महीने बाद फोन कर दी. जब आपने शो शुरू किया था उससे पहले आपने मुझे दिए थे. अच्छा, आप एक प्लीज काम कीजिए, आप एक मिनट, आप एक काम कीजिए, आप अभी अपना नंबर छोड़िए. आज आपको पास डिलीवर होंगे, आज इसी वक्त पास डिलीवर होंगे. मुझे नहीं पता कि क्यों हमारे पास, जब हमने ये शो शुरू किया था सुबह सवेरे समय के साथ और फिर जीत का समय, तो हमारे पास 80-90 हज़ार एंट्रीज आई हैं, तो हमारे लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल था. लेकिन अगर कहीं मिस आउट हो गया तो आई रियली अपोलोजाइज. आप अभी छोड़िए नंबर, मैं आपको आज पास डिलीवर करवाता हूँ, अभी प्लीज़ छोड़िएगा. बहुत बहुत शुक्रिया एंड आर कंडोलेंसेज टू यू नो योर फैमिली अबाउट योर लॉस ऑफ योर हस्बैंड. बहुत बहुत मैं माजरत चाहता हूँ और मुझे दिली तौर पे बहुत शदीद अफसोस है. अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगा दे और आपको सब्र जमील अता करे. लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप तशरीफ़ लाएंगी तो. एंड आई हम्बली अपोलोजाइज जो जहाँ गलती हो वहाँ मान लेनी चाहिए. कोई ऐसी जो हमसे भी स्लिप हो सकती हैं चीज़ें. बट थैंक यू मिसेस शाहिद. मिसेस शाहिद के लिए बहुत सही तालियां. थैंक यू मिसेस शाहिद. अच्छा, ये ज़रा खोलिएगा माइक, ज़रा खोलें. हाँ जी हाँ जी, आवाज़ आ रही है? सही है ये खोल. हाँ, मुझे नहीं आ रही. फ्लोर पे हाँ आ गई आवाज़. थोड़ा सा और खोल दे फ्लोर. अच्छा जी, ये तुम लोग फैल जाना पूरे सेट पे. पकड़ेंगे कल. क्या कह रही हो लड़की? मैं पकड़ूंगा नहीं बिल्कुल. आप लोग सेट पे, मुझे सेट को रिवील करना है तो आप लोग जैसे फैल हाँ आप लोग फैल जाइएगा, ठीक है ना? और इसको थोड़ा सा जरा और कर दीजिए ताकि हम कर सके, ठीक है? वही. और ये वो गाना है जो हमको बहुत, मुझे बहुत पसंद है. आप लोगों को भी कोई ना कोई तो याद आ ही जाएगा. लेट्स सी ब्रेक पे जा रहे हैं अभी. अच्छा ओके, गाने से आ जाएंगे. अच्छा अब नहीं तो अभी गाऊं या ब्रेक से वापस आ जाऊं? अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है जी. ब्रेक के बाद ये लोग 6 के 6 लोग जो होंगे इधर उधर फैले हुए होंगे, मैं इनके पास जाऊंगा और हम गाने से शुरू करेंगे. लेकिन आपकी कॉल्स का इंतजार होगा. और आज हम एक बहुत स्पेशल गिफ्ट देने जा रहे हैं. वो तमाम लोग जो हमको देख रहे हैं आज, अगर उनमें से एक कॉल सबसे अच्छी हमको लगी तो हम उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 पासेस जीत के समा के देने जा रहे हैं. 10 पासेस. छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के. आपको बताएंगे ये सिग्नेचर वॉल है क्या. तालियां तो बजाइए, बहुत सारी तालियां पूरे गाने के दौरान बजनी चाहिए. शो हो रहा है तो मजाक तो नहीं है. और पिंकी हमारा परमानेंट प्रॉप होगी. वेरी नाइस. क्यू दे दीजिए, क्यू दे दीजिए. I'm not afraid.
पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। ऐसे मिलेगी मंजिल प्यार की, है मेरे हम सफर दे रही है मंजिल प्यार की। प्यार ने जहां पे रखा है झूम के कदम मिकवा, वहीं पे खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। मैं सोच रहा था कि इन सबको कॉफी मिल गई, मुझे कॉफी नहीं मिली है। अच्छा एनीवे हम लोग जरा पुराने वाले मॉर्निंग शो की तरफ जाते हैं। आप क्या कर रही हैं इन दोनों, प्लीज जरा बताएं तो सही। मैं अभी दो प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं एक प्राइवेट प्रोडक्शंस के, तो माशाल्लाह से बहुत आप अच्छा नाम ले सकते हैं हमारे शो पे, कुछ भी चलता है। अच्छा हां बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट है। देखिए द बेस्ट पार्ट इज कि आप यहां पर आते हैं और आप आके बताते हैं हमारे प्राइवेट प्रोडक्शन से एक किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। कम ऑन नाउ, व्हाट इज इट, व्हाट आर यू डूइंग? एक हम टीवी का सीरियल कर रही हूं। अबे टीवी का नाम लेने को नहीं बोला, ड्रामे का नाम लेने को। हम लोग इतने बिजी हैं यार, मैं ही नहीं कंफ्यूज थी कि चैनल का नाम लेने ड्रामे का। सी This is what you call flighty किसी और मुल्क की है। अरे भाई आप लोग टेलीविजन का नाम ना ले, प्रोजेक्ट का नाम लीजिए, ये मेरा ड्रामा है। जहाँ नजर आए देख लो। सहरा में सफर एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है मेरा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग देखिएगा जरूर। और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एक औरत है जिसके मियां ने 3-4 शादियां की हुई हैं। नहीं नहीं, फिर उसके बाद वो रोती रहती है, फिर वो रोती रहती है। अच्छा फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी वो उसके साथ उसका चक्कर है, बेस्ट फ्रेंड के साथ भी चक्कर है। नहीं नहीं, फिर वो गांव का, फिर वो एक चौधरी वौधरी टाइप कोई चीज है, बडेरा टाइप कोई चीज है और उसको शाजी कहते हैं, और वो यूं करके ना चादर लेके घूमता रहता पूरा। और यूं एक औरत है, एक औरत है जो पूरे ड्रामे में रोती भी नजर आएगी। वो माँ के साथ भी मिलकर रो रही है, बहन के साथ भी मिलकर रो रही है, भाई के साथ भी। True. फिर उसका बच्चा छीन के ले जाते हैं। That's also happened. या फिर सीरियसली और ये और मजे की बात है, और मैं एक बात और बताऊं, मजे की बात है ये कोई एक ड्रामा नहीं है, सब ऐसे हैं। एक देखो पूरे सब ड्रामे देख लो। उसमें आप सफर कर रही है, आप सहरा एक औरत जाते हैं, एक औरत जाता है, हमारी बेटियां। आपकी बेटियां कितनी हैं? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है हमारी बेटियां। अच्छा, एक है रिफत आरा की बहू है, रिफत आरा की बहू है। अब आप कसम खाइए कि मैं झूठ बोल रहा था। और अभी 2-3 और प्रोजेक्ट चल रहे हैं आबिद अली साहब की प्रोडक्शन में, उसमें एक बहुत ही सिंपल पॉजिटिव लड़की है जो आबिद साहब के साथ पेयर है उसमें। तो कितना मुश्किल लगा अपने नेचर से हट के काम करना? बहुत मुश्किल होता है ना, सीरियसली। यू आर राइट, आई एग्री, यू आर राइट।
हाल में दो तीन पॉजिटिव कैरेक्टर्स किए, एक मरियम जो कि ऑनियन है चैनल पे जियो पे, और दूसरा जो है यार एक मिनट गन लेके आओ, बोले चैनल का नाम नहीं लेना है कानों के अंदर रुई डाल के बैठना। मैंने बोला है, मैंने आप लोग ईमानदारी से बताया, मैंने बोला ड्रामे का नाम ले ले, चैनल का मना किया ना, मना किया था, लेकिन मैंने इसलिए बोला ताकि कोई बात नहीं है, होना चाहिए, कोई भी ऐसा। देखो भाई बात सुनो, देखो देखो भाई बात सुनो, देखो तुमको पहले बताऊं, डेमोक्रेसी तो सिर्फ हम पे ही है, उन पे नहीं है, वो तो हमारे बारे में उल्टी उल्टी बात करते हैं, हम लोग रेटिंग लेके आते फिर भी बोलते आपका रेटिंग नहीं आ रहा, हमारा रेटिंग आ रहा है, हम लोग सांस भी लेता है हमारा रेटिंग आता है। ये बोलने से आपको फर्क पड़ता है? ये बोलते कौन है? हमको नहीं पड़ता, हमारा नौकरी जा सकता है, ऐसा नहीं है। आखिर आखिर को अगर ऊपर वाले ने बोल दिया नहीं बोलने, ऊपर वाले बोलते तो नवाज शरीफ साहब नहीं बोलते, हम तो फिर और नहीं तो क्या, छोड़ो यार ऐसा मरवाने की बात नहीं करो, तुम्हारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें तुम एक अजीब कैरेक्टर कर रहे हो, और कुछ नहीं, अजीब कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे जिसमें इसको भी एतबार नहीं है कि ये यही है, और जिनके साथ कर रहे हैं उसको भी एतबार नहीं है, इसको देख के बोलता है तुम लोगों तुमने ये क्या किया अपने साथ, नसीब से होती है, और जब आपके नसीब में तो हम लोग क्या भगा के लाते हैं, नसीब से होती है सबकी शादियाँ, नसीब से होती है, देखिए हमारे ना फलसफा भी अजीब तरीके से बना रहता है, शादी नसीब से होती है, नहीं इसलिए मैं बताती हूं ना कि मैं हर साल प्लान कर रही होती हूं, मैं इस साल तो मैं कर लूंगी, लेकिन अम्मी बोल रही तो अगर तुम देखो मैं तुम्हें बात करूं, अगर तुम प्लानिंग कुछ उन लोगों के साथ करो जो वाकई करना भी चाहते हैं, अब तुम प्लानिंग करो तुम्हारी शादी सलमान खान से होगी तो नहीं होगी, सलमान खान से शादी करना चाहती हूं, इसलिए देर हो रही है, जी जी बिल्कुल, और काश को बजरंगी भाईजान को बता दे कि उनकी मुन्नी यहां है, काश भी सलमान प्लीज वापस हो जाएंगे, चल और देख लीजिएगा, सलमान उनसे करना चाहते हैं उनकी भाई, मेरे को ऊपर से आया है कि मैंने ये दे गो सारे तीन दोनों को मिला दे, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सीरियसली विनीता, हम मजाक कर रहे हैं, तुम बाद में जाके इलाज करवा लेना, अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, अच्छा घूम रही थी आपने बोला सेट पे फैल जाओ घूमो, मैं फैल गई इधर उधर घूमती रही इतना बार पेपर हो गया, घूमने को नहीं आता सेट पे, अच्छा औरतों चुप हो जाओ, मुझे टेलीफोन कॉल लेनी, आप कहाँ कहाँ चले गए, बोलो औरतों कह रहे हैं, पूरा सेट घूमते रही हूँ आपका, वालेकुम अस्सलाम, बहुत दिल पे, हेलो हेलो वालेकुम, बसम क्या हाल है आपके, पता नहीं अच्छा जी, अच्छा क्या नाम है आपका, कौन बोल रही है, मिसेस कौन, मिसेस जलील बात कर रही थी, और आपके यहाँ पे तो झलक लगी हुई है, आपको मालूम है ना विनीता, विनीता दो काम करती है, दोपहर को ड्रामा करती है, सुबह शोज में जाती है, आप लोग मुझे देखना चाहते हैं ना, अरे ऐसा वैसे ये तो मैं घर पे रखना चाहते हैं, आई लव यू शैला जी, कोई भी जी, मिसेस जमील आई लव यू, एक और टेलीफोन कॉल है, अस्सलाम वालेकुम, एक और टेलीफोन कॉल है, सुनील, अच्छा वैसे सच बता रहा हूँ आज शो अजीब ही हो रहा है, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं, आपका नाम क्या है, मैं खालिद कर रही हूँ, सॉरी मिसेस जो है ना वो बस मिसेस खालिद, कैसी हैं आप, ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, आपका फैन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं आप बहुत अच्छे हैं, आपके जो लोग आते हैं मुझे पसंद है, मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपका प्रोग्राम देखते, कोई काम नहीं करती, सिर्फ सारे काम करने के बाद आपका सिर्फ शो देखती हूँ, मुझे इतना अच्छे लगते हैं आप, बेनता थैंक यू,
आप यानी जो आपके पास जो मेहमान आते हैं वो तो बहुत अच्छे बातें करते हैं, शायद जो तकलीफ दे वाली बातें होती हैं वो आप शेयर करते हैं हमसे, मुझे बहुत बहुत पसंद है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, सीरियसली बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? नहीं नहीं पसंद नहीं आई आपका ये बैठना हमको अच्छा। हम लोग बात करते हैं उनसे। फील फ्री। अच्छा, फील फ्री। पिंकी की अजीब सी बात है, कॉल कटने के बाद जब टाइम निकल जाता है तो पिंकी बोलती है। अच्छा, एनीवेज जी आप हमें कॉल कीजिए। अच्छा पिंकी, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, आप क्या कर रही हैं? मैं वैसे तो सिंगिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग शोज करती हूँ। अच्छा, यू सिंग, आप गाती हैं? हाँ हाँ, मैंने आज से स्टार्ट किया। अच्छा, लेकिन मैं आपके शो पे बताना चाहती हूँ कि अब मैं ड्रामों में भी काम कर। सीरियसली पिंकी, वाओ, प्लेज में जितनी आंटीज के, जितनी ताई अम्मी के, जितनी उनके कैरेक्टर्स, प्लीज प्यारी शक्ल है और जबरदस्त अच्छे। पिंकी हो जाए वो आपके पास ही माइक दे दीजिए। हाँ पिंकी, कुछ थोड़ा सा जरा गाना, बहुत ज्यादा पूरा नहीं गाना, कोई भी गाना जो पूरा याद हो वो नहीं सुनाना। हाँ पूरा नहीं। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल रखिएगा, मेरा माइक थोड़ा सा बढ़ाएगा, इसी तरह से चलते रहने दे। पहले वाला उसी तरह से रखिए, माइक को बढ़ा दे। ब्यूटीफुल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती। रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती। अजब न था कि मैं बेगाना ए अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन और तेरी नीम बाजा इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहे। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की तेरे लबों से हलावत की घूंट पी लेती। हयात चीखती फिरती बरहन्ना सर और मैं घनीरी जुल्फों के साए में छुप जी लेता। मगर ये हो न सका और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह न मंजिल,
न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हमदर्द, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव गुजर न पाती तो शायद हो भी सके। सुजियां सुजियां दिल दिया गलियां, सुजियां मेरिया बावां, सुजियां दिल दिया गलियां, सुजियां मेरिया बावां, आ जा तेरियां खुशबू जी, इनके लिए तालियां तो बजाएं यार, ये तो गलत बात है। नहीं, आप ये बताएं, आप ये बार बार विनीता की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे, गाना और अपनी जो पोएट्री आप बोल रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था मैं कह रहा था कि जब मैं पोएट्री खत्म करूंगा तो क्यों दे रहा था, तो इन्होंने शुरू करना, मैं विनीता की तरफ कुछ भी इशारा नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जी ये सेट जो है ये अच्छा खासा बड़ा सेट है, और अगैन थैंक यू समा, हमारी जो ऑडियंस है वो आज थोड़ी सी कम है, कल हम उसमें एक और एडिशन करने वाले हैं, ये ऑडियंस को पीछे मूव कर देंगे, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि 360 सेट है, यहाँ पर मेरे कैमरामैन जो हैं ये खड़े हैं और ये ऑडियंस है, आपके दरमियान में खड़ा हूँ, जरा तालियां वाले का बजाएं। yes! और ये वो हमारे बैंड वाले हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, मैं इनको इनसे खुद ही अपने नाम बताएंगे आपको। जी ये खोलिएगा माइक, खोले और मैं बहुत थैंक्स करूंगी कि इन्होंने इतना अच्छा बजाया। वाकई वाकई बहुत सारी तालियां। और हमारे कैमरे पे जो लोग होते हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। जी सर, नाम बताइए। इमरान। ओहो, ये तो मेरे दस्ते रास्त, ये देखें, मैं तुम्हारा कैमरा पकड़ लेता हूँ, मैं चला लेता हूँ। नदीम के लिए बहुत सारे आदि नदीम नदीम, ये देखें फरहान आबेद, बहुत सारी तालियां फरहान के लिए भी। इरफान भाई के लिए बहुत सारी तालियां। और लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली, जो अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि शादी के एक दिन के बाद ही बोला तुम जैसी एक और लाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन मॉरिस, आइए आइए आ जाइए। पापा की जान मॉरिस, एक मिनट, पापा की जान मॉरिस जी, वारिस भाई इधर आ गए। वारिस भाई जरा हेलो कर दें, सामने हिला लें, और जानू को बोलते जानू आई लव यू। अरे बोलना यार, क्या हो गया, बोल जानू आई लव यू। अच्छा, किस आई लव यू, मुझे नहीं, जानू को आई लव यू, नहीं जानू आई लव यू। नाम बताओ, नाम वलीद। वलीद हमारे पास साउंड पे होते वलीद, और इसकी हम जितनी अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते ना, जरा दोबारा बोलना वलीद। अच्छा, जितने प्यार से कर रहे ना आप, इसका नाम देखें, मैंने पूछा नाम क्या, वलीद। एक आदमी खामा खामे लंबा है, मतलब खामा खामे लंबा, मतलब वो यूं ही नहीं, बस वो यूं ही लंबा है, क्योंकि वो हो गया है तो लंबा हो गया,
आ जाओ। कह रहा मुझे नहीं, मुझे। अरे तुमको बुला रहा हूँ यार, आ जाओ। क्या हो गया? केदर नहीं आऊंगा। क्या हो गया? इधर तो शर्माना। ये बिल्कुल नहीं शर्माता है, आपको लग रहा है ऐसा। नाम क्या? शादी होगी तुम्हारी? देखो मैंने पूछा शादी होगी तुम्हारी, कहता नहीं ढूंढ रहा हूँ। हाँ जाहिर है ये शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस जगह रिश्ता लेके जाते हैं वो कहते हैं इसे देके करेंगे क्या भाई। नहीं उसका नाम भूल गए आप, जो आपकी इतनी पिक्चर्स बना रहा है। जी जी भाई, नाम है ना मैं सबसे पहले अरे एक मिनट एक सेकेंड मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उसके बाद मैं सेट के जो लोग हैं उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा, और साथ साथ एक ऐसे आदमी का जो मुसलसल ख्वातीन को ढूंढता रहता है, उसका बस नहीं चलता कि वो उनके साथ घर चला जाए, रहने लगे जाके, खुदा ना करे, मतलब एक या छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलकर ब्रेक के बाद। लेकिन ये विनीता के लिए है। यू नीड टू स्टैंड अप देयर, प्लीज स्टैंड अप विनीता। ओए ओए विनीता के लिए बहुत सारे पहले मेरा माइक बढ़ा दिया सर। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है। खड़ी हो जाइए विनीता। आप मुंह मांगी दुआ हम सुनी फरियाद है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है। आप गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, गाली हुजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे है गाली आपको। ओए होए आज ये पहला दिन है तो हम सब सिंग होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विनीता की इस स्पोर्ट के लिए बहुत सारी तालियां। शुक्र है आपने बोली ना जो पहले कह रही नहीं मैं सिर्फ। हाँ नहीं अच्छा वो थोड़ा सा इस किस्म के हल्ला गुल्ला गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो आप लोग ब्रेक पे गा रहे थे एक प्यार का नगमा है, सांसों की रवानी है। आकर चल जाना है, बादल है ये कुछ पलटा छा कर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी एक
हमारा गाना इससे गवाए फिर नहीं नहीं हमारा दिल है कि तुम भी कभी प्यार करो तुम्हें पता चले कि प्यार क्या होता है जी अच्छा ठीक है अच्छा हां प्यार और मुझसे कह रहे कभी करो ओके अब करके आऊंगी नहीं सॉरी यार सॉरी सॉरी यार सॉरी यार सॉरी यार सॉरी डेफिनेशन बता दो कहीं करके आऊंगी नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलती हो गई हमें नहीं पता आप तो रोज करते हैं नहीं ढूंढ के क्यों आऊंगी प्यार तो किसी से भी हो सकता है यार तो किसी से भी हो सकता है आज के बाद ना छह खवातीन एक साथ कभी नहीं और इनको ना छह लड़कियां यूजुअली ये सीन होता है रजिया फंस गई गुंडों में और गुंडा फंस गया रजियों में भाई नहीं नहीं आई डोंट नो जिसने भी आपको मेरे बारे में जो भी बोला नहीं 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 मैंने मिसाल मैं पर्सनली हां जी हां जी प्लीज प्लीज हां बताइए क्या कर रही हैं आप आजकल नहीं कुछ नहीं अच्छा आंसर है कुछ नहीं कर रही मैं शादी कर ली आप सीरियल नहीं कर रही प्लेज नहीं कर रही वो तो कर रही हूँ वो तो चल रहा है तो आपसे क्या मैं बॉम्ब बनाने की तरकीब में पूछ रहा हूँ आपसे ये थोड़ी कुछ नहीं कर रही मैं देख रही हूँ नहीं कोई नोट का बता दो क्या कर रही हूँ नहीं प्लीज बताइए क्या कर रही हूँ व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज प्लेज कर रही मैं हाँ जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ Are you leaving us? No, no. लेकिन मैं कुछ गैप लेना चाह रही हूँ एक दो महीने का फिर उसके बाद इंशाल्लाह अक्टूबर से फिर काम स्टार्ट करूँगी यार वैसे कितने आप लोग कितने लकी लोग हो ना जब भी चाहे छुट्टी ले सकते हो मैं गरीब आदमी छुट्टी भी नहीं ले सकता मैं That's the worst part. I cannot even take off. I don't make enough money to just be off. I can't. बट आप काम इतना अच्छा कर रहे होते हैं कि लोग आपको छुट्टी नहीं देते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं नहीं मैं मुझे लगता है उनको इतनी आदत भी हो गई काम की कि वो छुट्टी ले भी नहीं पाएंगे हां सीरियसली संडे से लोग रह भी नहीं पाएंगे छुट्टी करेगी छुट्टी वाले दिन भी लाइव शो डू यू नो कि मैं आई स्टार्टेड मिसिंग माय रेडियो ऑन सैटरडे बिकॉज़ मैं रेडियो करता हूं मंडे थ्रू फ्राइडे तो जब सैटरडे रोल इन होता है तो मैं 8 बजे कुछ नहीं कर रहा होता 8 टू 10 मेरा रेडियो होता है समय पे तो आप जरूर सुने इट्स वेरी गुड रेडियो फर्स्ट टाइम में क्या कर रहे होते हैं आप कुछ नहीं आई एम जस्ट आइदर रीडिंग बुक्स और डूइंग समथिंग एट द हाउस मुझे घर बनाने का बहुत शौक है तो आई पेंट एंड ऑल तो मैं वो कर रहा होता हूँ या कुछ और कर रहा होता हूँ कुछ कोई चीज़ फिक्स कर रहा होता हूँ घर की या कुछ नहीं होता टैलेंट पता चल गया सारे कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं होता तो मैं सफाई करवा रहा होता हूँ घर की लिटरली बता रहा हूँ लिटरली आई कुक बट कुकिंग का बहुत मूड होता है बहुत मूड पे अगर मैं हूँ तो मैं कुक करूँगा अदरवाइज आई डोंट कुक लेकिन मैं घर की सफाइयाँ बहुत करवाता हूँ मतलब 5-6-10 लोग जमा करके अगर एवरी सिंगल कॉर्नर हैज़ टू बी क्लीन एक एक कॉर्नर जो है वो क्लीन होना चाहिए देन माई हाउस हैज़ टू स्मेल रियली गुड वो बहुत उसमें और देन जहाँ पर मैं मतलब माशार ये बड़ी अजीब सी बात है वो इतना साफ होना चाहिए कि वो बाकी घर से ज्यादा चमके तो आई मीन दैट्स हाउ इट इज और छह लड़कियों ने मिलकर ना इनका इंटरव्यू दे दिया सबको बता दिया ये क्या-क्या करते हैं घर में बहुत अच्छा तरीका है नहीं बट यू आर आस्किंग मी दैट्स व्हाट आई डू इन माय लीजर टाइम आई डोंट गो पार्टी एंड ऑल मैं कभी जाता ही नहीं मुझे पता ही नहीं कि क्या है नाइदर आई गो टू अवार्ड फंक्शंस और सेरेमनीज और पहले वो लोग बहुत बुलाते थे अब बुलाते भी नहीं है बिकॉज़ उनको पता मैं कभी नहीं आऊंगा म्यूजिक के प्रोग्राम नहीं आ पाते नहीं नेवर आई रन अ क्लिनिक तो वो है फिर हॉस्पिटल का एक प्रोजेक्ट है 100 बेड हॉस्पिटल है तो आई डू दैट मेरा ज़्यादा टाइम तो सुरजानी टाउन में गुजरता है न्यू लियारी एक्सप्रेसवे के पास हमारा एक क्लिनिक है तो जैसे मैं यहाँ से फारिग होता हूँ उसके बाद आई गो देयर एंड देन तो वहाँ पर इट्स गुड ऑल गुड बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं बिकॉज हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो ये इनिशिएटिव लेते हैं कि दूसरों के लिए काम कर रहे हैं कोई अच्छा अपने लिए तो सभी कर रहे अच्छा मैं सच बताऊँ हम अपने लिए कर रहे होते हैं अब दूसरों के लिए नहीं मेरे लिए देखिए आप सबसे मिला है दूसरों की मदद करके ना नहीं वो मदद कोई नहीं कर रहा ये मैं यही थ्योरी जो है ना ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में गलत है सकता आप सही मेरे ख्याल में गलत है हम दूसरों की मदद वगैरह नहीं करते हम अपनी मदद करते हैं देखिए मुझे अल्लाह मियाँ ने मेरी जरूरत से ज़्यादा दिया है और हमेशा दिया है मुझे ये नाम नहीं चाहिए था ये नाम दे दिया मुझे पैसा नहीं चाहिए था मुझे इतना पैसा दे दिया हर चीज़ मिल गई मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मिल गई है अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भेजता है जिनको ज़रूरत होती है उस बात की तो वो उनकी ज़रूरत पहले मेरी जेब में डाल देता है तब जाके वो मुझे भेज रहा है तो आई डोंट थिंक कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ हम जैसे अपने लिए कर रहे होते हैं सबके साथ एनीवे एक टेलीफोन कॉल है एक फ़ोन कॉल अस्सलाम वालेकुम जी हेलो वालेकुम सलाम साहिर भाई क्या हाल है ठीक हो आप मुझे बताइए आप कैसी हैं मुझे एक कुर्सी देना जरा कैसी हैं आप ठीक है मैं ठीक हूँ मैंने बड़ी कोशिश से आपकी कॉल में लाई है मैं आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ ओके और मुझे आपकी आवाज आपकी पर्सनैलिटी आपका शो इतना प्यारा लगता है कि आप खुद इस बात पे बली भी नहीं कर सकते अरे थैंक यू जी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आई जस्ट लव सिटिंग हियर अब पूरा सेट का जरा मजा लेना चाहिए ना अच्छा मुझे ये बताइए आपकी तबीयत वगैरह कैसी है सब अच्छा है शो अच्छा लग रहा है आपको
बहुत अच्छा बहुत, और आज की जो सेटिंग है वो बहुत ही प्यारी है। और साहेब भाई मुझे आपसे एक और भी काम है, और आपका और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग बहुत 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 अच्छा और इतना नॉलेज लोगों को दे रहे हैं कि ये आप भी सोच नहीं सकते। सर थैंक मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम है आपको हमसे? मुझे आपसे काम है, मैं भी यहाँ आजाद कश्मीर में काम करना चाहती हूँ, तो इस हवाले से मुझे काम है। तो शो बंद होगा तो फिर आप अगर मेरा नंबर ले ले तो इस पे बात कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे पास, हम लोग जब ये टेलीथॉन कर रहे थे, 13 तारीख को हमने टेलीथॉन की, तो मेरे पास एक गिलगित से कॉल आई, उन्होंने कहा जी मैं 5,000 रुपये बनाता हूँ और मैं 500 रुपये सारी जिंदगी आपके क्लिनिक को देना चाहता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब आप वहाँ जाओ ना, तो हमारी तो ये टीम पूरी काम करती है वहाँ पे, आप जाओ तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। हमने 30 लोगों से शुरू किया था, 30 people, कि जी 30 लोग आएंगे वहाँ पर, अब 400 लोग डेली आते हैं। क्या? अरे भाई, डेली पूरे कराची से। सो एनीवे, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिल बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। बहुत 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 मुबारक हो, बहुत खूबसूरत सेट है, बहुत ही प्यारा, मजा आ गया यार, ये सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। और ये 14 अगस्त के बाद जो आपने ये सेट लगाया है, हाँ जी, बहुत खूबसूरत है। मेरी तबीयत खराब रहती है बेटा, लेकिन ये देख के सेट में आज बहुत खुश हूँ, बहुत तरोताजा महसूस कर रही हूँ। क्या हुआ? खुश रखे अल्लाह ताला, बहुत खुश रखे। अच्छा, आपकी तबीयत को क्या हुआ? बेटा घुटनों में मसला है, बस बैठा नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आज प्रोग्राम देख के बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, आप मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मदर की भी घुटनों में तकलीफ थी, अब वो बेहतर है। आप हमें कॉल कीजिएगा, इसके बाद हम आपको शायद कहीं किसी की तरफ वो कर दें, मुंतकिल कर दें, और आप डॉक्टर्स के पास चली जाएं हमारी तरफ से, ठीक है? कॉल कीजिएगा आप। हाँ बेटा, बस ये है कि अगर हो सके तो, वही जैसे लड़कियाँ मांगती है ना तुमसे पास, मैं भी तुम्हारे प्रोग्राम में आना चाहती हूँ बच्चों के साथ। मियाँ तो है नहीं बेटा, बच्चों के साथ आना चाहती हूँ। कितने कितने पासे चाहिए आपको? मेरे 4 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, बस बस यही कायनात है मेरी। आपको आपको हम 5 passes देने जा रहे हैं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप तशरीफ लाएंगे शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स लव, इट्स ऑल लव, नथिंग एल्स, इट्स ऑल लव। एंड आई थिंक ये सब इसी तरह से चलता रहता है, एंड यू कीप डूइंग वर्क, आई फाइंड न्यू डेफिनेशंस इवन टू माय ओन सेल्फ, वो डिफरेंट थोड़ा सा मुझे रोज़ पता चलता है कि मैं अब बदल गया हूँ ऐसे, अब बदल गया हूँ ऐसे, अब बदल गया हूँ ऐसे, सो आई फाइंड डिफरेंट मीनिंग्स टू माई ओन वर्क। तो लेट्स सी हाउ इट एंड्स। अभी तो बहुत पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म, द बिग फिश। यू नो इट्स ऑल, लाइफ इज जस्ट अ स्टोरी, नथिंग एल्स, एक कहानी है। एवरी वन टेल्स अ टेल, एवरी वन, यू लिव सम, यू डाई सम, एवरी सिंगल डे देर आर मोमेंट्स। आप ये टेल अपनी सुनाते हैं, एंड समटाइम्स ज़माना आपकी ये कहानी सुनाता है। व्हेन आई जॉइंड समा, आई डिड नॉट नो कि मैं इतना ज़्यादा दिन रहूँगा, और अब ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ से मैं कहीं जाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ गिवन अ न्यू मीनिंग टू मी, टू माई वर्क, टू एवरी वन। एंड आई थिंक इट्स नॉट अबाउट हाउ वेल यू बिगिन, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू एंड। आई रियली होप कि वन आई फिनिश माई वर्क, आई लुक बैक इन टाइम एंड आई कैन ऑनेस्टली से आई डिड व्हाट आई कुड, एंड दैट्स ऑल इट मैटर्स। आप जीतें या हारें, Anyway, all right, enough sad talk. Let's not go there. Let's talk about. तुम place तो कर रही हो ना? Good, good. शुक्र है, मुझे बहुत सुकून मिला ये जान के कि आप place करी, अब तक करी, क्यों? क्यों? मतलब? क्या जरूरत है? अगर नहीं भी करोगी तो कुछ फर्क पड़ जाएगा? मैं घर में बहुत बोर होती हूँ। मैं भी बहुत बोर होता हूँ, इसका मतलब मैं ड्रामे करना शुरू करूँ? मैं एक्चुअली घर में ड्रामा करना शुरू कर देती हूँ, घर वाले बोलते हैं भाई जो सेट पे जाके ड्रामा करो। अच्छा जी, एक सवाल सबसे घर में अच्छा नाश्ता कौन बनाता है, कौन बनाता है आप लोगों में से? वी स्टार्ट विद भारत। मैं नहीं बनाती। बहुत मुबारक हो। मैं नहीं बनाती। पिंकी? मैं अच्छा बनाती हूँ लेकिन सबसे अच्छा नहीं। अच्छा,
विनीता मैं भी अच्छा बना लेती हूँ. बना लेती हैं. यू मैम अच्छा आपको देख देख के पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप आपका ताल्लुक गिलगित पेशावर चित्राल उस तरफ से कहीं. ऐसा क्यों लग रहा है? I don't know why. Just the vibe. No, no, I'm from Punjab. You're from Punjab. Okay, from Lahore? Yeah. Okay, okay. You, नाश्ता बनाती हैं? कभी कभी बहुत अच्छा बना लेती हूँ. कभी कभी बहुत अच्छा बना लेती हैं. और जब कभी कभी बनाती हूँ बिकॉज़ टाइम नहीं मिलता. और जब भी बनाती हूँ तो अच्छा बनाती हूँ. अच्छा बनाती हूँ. तो व्हाट डू यू कुक? क्या बनाती हैं? ऑमलेट पराठा. कौन सा वाला ऑमलेट बनाती हैं? चीज ऑमलेट बनाती हैं? नहीं नॉर्मल नॉर्मल पाकिस्तानी ऑमलेट. पाकिस्तानी ऑमलेट और पराठा. और पराठा. चलो यार एक दफा हम लोगों को बुलाए ना अपने घर पे. पराठे ऑमलेट मेरी सेहत देख के लगता है पराठे खाने. यू मैम बिल्कुल नहीं. मैं पराठों के अलावा बाकी सब बना लेती. क्या बाकी रह क्या जाता है? डबल रोटी बाहर से आती है. अंडे बॉईल कर लो. फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं. अच्छा फ्रेंच टोस्ट बनाती हैं. फ्रेंच को बनाती हैं फ्रेंच टोस्ट बनाती हैं. फ्रेंच टोस्ट बनाती हैं. ओके ओके. मुझे सिंपल सी रेसिपी आती है. एक अंडा तोड़ो, चीनी डालो, दूध डालो, उसको बीट करो और टोस्ट को उसमें डिप करो और फ्राई करो. मजे का. क्या बात है. क्या बात. तो उसमें भी तो देखना पड़ता है ना कि कितनी आंच पे फ्राई करना है. ऑयल ज्यादा डीप फ्राई ना हो जाए. अब इतनी कह रहे हैं मैं. अच्छा एक बात है, एक बात कितनी मजे की बात है ना. एक वो खातून जो बनाती नहीं है वो बता रही है तरकीब. नहीं सोचो नहीं. एक मिनट एक मिनट. बात बनाती है. बनाती है. एक बनाते हैं. नहीं सुबह सुबह नाश्ता नहीं बना सकती. ये शाम के नाश्ते में मैं अक्सर बना लेती हूं. शाम का कौन सा नाश्ता होता है? शाम में होता है नाश्ता. अच्छा वो हम लोग ज्यादा इंडियन हो गए ना. ज्यादा इंडियन हो गए. इंडियन इंडियन बोलते हैं शाम को 5 बजे की चाय को वो लोग नाश्ता बोलते हैं. तो दिस इज व्हाट इट इज. हम लोग ज्यादा इंडियन होते हैं. हम लोग बहुत इंडियन होते हैं. मेरा 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 नाम रूप कुमार. ये सरस्वती शामी कबाब. और ये जो बोल रही है फ्राइंग टोस्ट, ये शाम की चाय में अच्छे लगते हैं. शुक्रवार और गुरुवार. ये भी ना मत भूलिएगा फर्क क्या नाश्ता. जी नहीं ऐसा कुछ नहीं. शुक्रवार गुरुवार ये भी ना मत भूलिए फर्क क्या नाश्ता. हर शुक्रवार गुरुवार रसोई रसोई आपकी रसोई. हर शुक्रवार गुरुवार रसोई घर. अच्छा सारी चीजें बदल के पाकिस्तानी ड्रामों में भी आ चुकी है. आप लोगों में से बताइए कि कोई अच्छा गाता है आप लोगों में से? ईशा. हां यू डू. यू डू. माइक तो दीजिए इनको. वो बड़ा वो बड़ा बोलो 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 माइक. ईशा कम ऑन कम ऑन. अच्छा एक छोटा एक काम करते हैं ना. हम आपको थोड़ा सा मौका देते हैं. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपसे सुनेंगे. जब तक तुम प्रैक्टिस कर लो. ठीक है जी. आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए. सुरवर चेक कीजिए प्लीज. सुरवर चेक कीजिए. छोटा सा ब्रेक. हां जी छोटा सा एक ब्रेक है जी. आपसे मिलते हैं ब्रेक के. Yes, 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 yes. लेकिन लेकिन एक मिनट 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 एक मिनट. दानियाल मैंने आपको बताया था कि ख्वातीन के मनपसंद है वो. oh, yes. हर जगह आप पिक्चर्स उतारते हैं. तो आज आज ये गाना आप लोग उनको डेडिकेट करेंगे. हाँ. आप और पिंकी. हाँ. दानियाल प्लीज आइए. तशरीफ लाइए. आइए दानियाल के लिए बहुत सारी तालियां. बैठ जाइए प्लीज. बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बेटा बेटा बैठ जाइए. बॉस की सीट पे बिग बॉस आपको बिठाना चाहते हैं. Okay, okay, there you go. There you go. There you go. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it. There you go. There you go. And I want to say hello to someone's husband, Abid Mahmood Saab. Abid Mahmood Saab, if you're watching me, bahut bahut shukriya. Thank you for liking me. Thank you. Bahut bahut shukriya. Aapne message kiya. Bahut bahut shukriya. We love you, man. Bahut bahut shukriya. Thank you so much. Bahut bahut shukriya. Ma'am, meri taraf se unko bahut salam kahiyega. Bahut salam kahiyega. Hello. There you go. Daniel, what's up, Daniel? It's okay, Daniel. No worries. No worries, Daniel. Daniel, it's okay. Darling, no. नहीं नहीं कोई दूसरा चश्मा कोई दे मुझे. ग्लासेस दूसरे वाले चाहिए. कहाँ है आपके? कहाँ है दूसरे ग्लासेस का? कोई दूसरे ग्लासेस लेकर आइए. तो मैं पहनूंगा. अरे थैंक यू जी. थैंक यू. आप गाना शुरू कीजिए जब कोई बात नहीं. अरे देखो एक मिनट. तुमने ऐसे पोज करना है जैसे बिल्कुल किंग हो तुम. सीट पे बैठो आराम से. हेलो नजर आई गो. जल्दी गाना. माइक खोल दे. माइक माइक खोल. ओके मेरे साथ देंगी पिंकी और परी जिन्होंने फरमाइश की. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, जब कोई मैं तो मनाने बहुत मासूम, प्लीज बताइए मेरे फियांसी नाम बताइए, नाम बताइए, बकास बकास प्लीज नाराज ना, बकास भाई तो मानना पड़ेगा, थोड़े से नाराज है मुझसे। अच्छा एक मिनट, ये विनीता ने क्या किया बकास भाई, अब तो मानना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी वजह से मान रही है, अब तो मानना पड़ेगा। ओ नहीं, क्यूट गाना गाया और डेडिकेट किया तो अब तो मानना पड़ेगा। हां वैसे यार, और सबके सामने, और सबके सामने, दैट्स अस ब्यूटीफुल। तो वकास करते क्या है, व्हाट डज ही डू? उनका बिजनेस है बाहर मलेशिया में। ओके, तो वो वहीं रहते हैं, यहाँ नहीं नहीं अभी आए हैं, आए और आके नाराज हो गए, आके नाराज हो गए वकास यार, डू नॉट मान जाए प्लीज मान जाइए, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने सबके सामने कहा आई लव दैट, माशाल्लाह। ऐसी दोस्तों से परहेज कीजिएगा,
और स्पेशली वो कोने वाली जो है एक एक अच्छा टेलीफोन कॉल टेलीफोन कॉल मैं जानती हूं वकील विनीता आप कॉल लीजिए कॉल लीजिए जी अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नया दिन नया सेट खूबसूरत बहुत प्यारा बहुत अच्छा बड़ा मजा आया साहिर भाई को देख कर ना कि नए सेट को बहुत खूबसूरत सेट है आज माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत अच्छा सेट है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेट नाम नाम क्या है आपका मेरा नाम मिसेस सिकंदर मिसेस सिकंदर कैसी हैं आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ऑलराइट जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आज आपका सेट देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह थैंक यू जी बहुत और सेट पे हम लोगों को देख के खुशी हो रही है देख के बहुत खुशी हो रही है तमाम गुलूकारों को भी तमाम गुलूकार तो तुम लोगों का एक काम तो बंद कर दिया मैंने तुम लोग अब ड्रामे तो नहीं कर सकते अच्छा 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 एक और टेलीफोन कॉल है लेट्स टेक दैट लेट्स टेक दैट पिंकी तुम लोग कॉल लो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन है हमारे साथ जी मैं उमैरा बात कर रही हूँ कराची से मेरा गाना अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह साहिर भाई अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह साहिर भाई गाना मैंने गाया माशाल्लाह साहिर वालेकुम अस्सलाम कैसी हो मेरा ठीक है आप बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से साहिर भाई इतने अच्छे गेस्ट बुलाए में इतना मजा आ रहा है हम और नहीं गा सकते और सेट और सेट बताइए सेट बताइए सेट कैसा लगा बहुत प्यारा कलरफुल जैसे आप खुद कलरफुल है वैसे ही आपका सेट भी कलरफुल है चलो ओके मर्दों को बिल्कुल कलरफुल नहीं कहते कोई अच्छी बात मर्द चलिए कोई बात नहीं हेलो अस्सलाम वालेकुम जी एक और टेलीफोन कॉल है अस्सलाम वालेकुम अब कोई कहे साहिर भाई आप हमें अच्छे लगते हैं अब कहे कोई ड्रॉप हो गई है तो तुम डर गई तो कहना ही था साहिल भाई आप मुझे बहुत अच्छे यार कोई लड़का भी हो सकता था एक और टेलीफोन आप प्लीज लीजिए एक कॉल है अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम यही लेंगे तो बोलेंगे हम नहीं हेलो साहिल भाई आप बोले प्लीज जी अस्सलाम वालेकुम नहीं नहीं नाराज हो गए अच्छा एक बात अच्छा ऑनेस्टली आप लोग मॉर्निंग शोज में क्या देखना चाहते हैं बिकॉज ऑनेस्टली मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके बाद हम कॉलर से भी पूछेंगे आप क्या देखना चाहते हैं मॉर्निंग शोज में मैं पर्सनली अपने जो एक्टर्स है ना पाकिस्तानी उनकी मतलब हमारे सीनियर्स हैं उनको देखना चाहती हूं हम डेफिनेटली बुलाते हैं उनको और हम ही ने शुरू किया था और इंशाल्लाह ताला और मजीद देखेंगे बट एक बात हम नोट कर रहे हैं ये कि सीनियर्स जो हैं उनको हम डेफिनेटली जरूर बिल्कुल जी आप पिंकी जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको देखना चाहते हैं और इसी तरह का शो हैपनिंग हो जिस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं ऑन ईयर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है कितने आई मीन इस तरह के मुस्तहिक लोग हैं जो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं दिस इज़ रियली गुड और मैसेज स्पेशली आपके शो में कि बड़ी अच्छी बात है कि आपके शो से कोई ना कोई बीच में जब आप बात करते हैं तो कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता है थ्रोइंग हैपनिंग उसके बीच में जो जो आप थोड़ा थोड़ा मैसेजेस देते हैं वो बहुत अच्छी होता है बहुत इमोशनल होता है तो अच्छी बात है इस किस्म के शोज़ होने चाहिए सुबह सुबह सारी औरतें नाश्ते बना रही होती हैं तो उन्हें हैपनिंग शोज़ देखने चाहिए हमारे लेजेंड्स आएँ हम लोग आएँ सब लोग आएँ और इसी तरह का शो होना चाहिए शो मस्त बहुत अच्छी करते हैं सभी शो अच्छा करते हैं आपका भी बहुत अच्छा होता है जिस सेंसिटिव इशूज़ होते हैं हमारे मुल्क में उनको जैसे लेकर आते हैं फिर उनको हल करते हैं ये बहुत अच्छा हाँ गुड अच्छा मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क का पॉजिटिव इमेज दिखाया जाए लोगों को क्योंकि सुबह ही सुबह में आपके दिन का जब आगाज़ होता है वो अच्छा होना चाहिए मतलब बहुत सारे मसाइल होते हैं रोना धोना भी होता है लेकिन उस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए कि जैसे सास बहू के झगड़े दिखा रहे थे उनको आपस में लड़वाने के तरीके बताए जा रहे होते हैं वो सब नहीं होना चाहिए मॉर्निंग को खुशगवार होना चाहिए अच्छा ऐसा हमने तो खैर कभी नहीं किया नहीं आपकी बात नहीं करी मैं नॉर्मली और लोगों की बात कर रही हूँ जो इस तरह कर रहे हैं एक बात बताऊँ पर डांस आइटम थोड़ा सा ना ये देखना गौर करना मैं सैटरडे संडे को टेलीविजन देख पाता हूँ ये हम लोग ऐसे ही हैं मैं सुन लो मैं बड़े मजे की बात कर रहा हूँ हम लोग इसी तरह के पागल्स हैं लाइट नहीं होती जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं
गर्मी में बाहर निकल के चाय पीने लगते हैं, टारगेट किलिंग हो रही होती है, फैमिली को लेके टिक्का खाने चले जाते हैं। सही बात है। ऑनेस्टली हम अजीब सी कौम है। Really true. प्यार करने पे आते हैं तो इतना प्यार करते हैं कि इंसान पागल हो जाता और नफरत करने पे आते हैं तो ऐसी नफरत करते हैं कि फिर उसकी कोई हुदूद। हम शिद्दत पसंद है हर मामले में, शायद नहीं होना चाहिए पर हम ऐसे ही हैं। अभी थोड़े हम ग्राउंड से उठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। हम तनकीद करते हैं, एक दूसरे पर बहुत शदीद करते हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। मैं सच बता रहा हूँ, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर हमारे पास से ये सारे शोज लोग कहते थे पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती, बनने लगी ना। सही, बेहतरीन फिल्में कुछ बुरी बनी लेकिन फिर अच्छी बनने लगी ना। अप टू द मार्क तो बिल्कुल नहीं आएंगी, फौरन आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आहिस्ता हो रही। इसी तरह से हमारी ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। इस बार जश्न आजादी पे मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लोगों को बाहर निकलते हुए बिल्कुल मैंने भी देखा। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई बात नहीं यार, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं, साथ मिलके करेंगे, हो ही जाएगा। मुझे ये पता है हमारा आगाज कुछ भी हो अंजाम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा और अच्छा। मैं तकरीबन 20-22 साल से हूँ कराची में और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि गाइजा के मज़ार पे मेरा शो था। हम लोग वहाँ पे PNC एक इदारा है उनकी तरफ से, हम एक वहाँ कॉन्सर्ट कर रहे थे। वहाँ से लेकर तारिक रोड में 1 बजे गई हूँ अपनी एंट्री करके। आप यकीन करें कि ऐसा खचाखच भरा हुआ था और लेकिन मैं कायदे से मज़ार कायद पे मैं एक बात करता हूँ कि आप लोग थोड़ी सी उसकी हुरमत का ख्याल कीजिए और जो कुछ वहाँ होता है वो नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को इस चीज़ की बहुत बहुत बिकॉज यू नो दैट इज ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। बिल्कुल एक नेशनल मॉन्यूमेंट है और वहाँ पर कायद क्या सोचते होंगे यार। ऑनेस्टली इट्स जस्ट रिडिकुलस। एक टेलीफोन कॉल है, वो लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। ओके गुड, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? रियना चैटर्जी कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, क्या नाम है आपका? और कुछ कहना चाह रही हूँ साहिर जी, प्लीज कहिए। ये समा प्यारा प्यारा, ये समा प्यारा प्यारा, ये सेठ खूबसूरत जी चाहता है मेरा, आ जाऊं मैं यहाँ। आप ख्वातीन की आबिद भाई हैं। हमारे एक दोस्त हैं आबिद साहब, वो हमेशा हर चीज पे गाना गाते हैं। जी जी बिल्कुल। लोग मैं उनकी कार में उनको बहुत पसंद करती हूँ और बहुत अच्छा वो जो है वो जब कॉल करते हैं तो बहुत मजा आता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोगों ने उन्हें जनाजे पे बुलाना छोड़ दिया। जनाजे पे गाना शुरू कर देते हैं। ओह माय गॉड, मैयत मर गई है, चलो बिस्मिल्ला, मतलब वो बहुत मसला हो जाता है। बट माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लीजिए सर, आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये हो ही नहीं सकता ना, ये मैं मान ही नहीं सकती कि वो बोल जाए। बोल दिया इसने। हेलो हेलो, आवाज आ रही है। हेलो अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप कैसी हैं? मैम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ताहिर भाई से बात करनी थी मेरी। जी जी, फजूल ही कॉल उठाई है। मैं कह रही ये ना जानबूझ के कर रहे हैं भाई। यार सॉरी यार, हमारी खेल में वो कर रहे हैं। हेलो, ये चुप होंगी तो मैं बात करूंगा। आज चुप नहीं होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिर भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत ठीक हूँ साहिर भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, मेरी कॉल बहुत ही मुश्किल से मिली है साहिर भाई। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या? साहिर भाई, आपने जो है क्या कहते हैं जीत मामे मुझे नहीं बुलाया था, मैंने रमजान से पहले कॉल की थी। तो आपको अभी बुला लेते हैं जीत के समय में। जीत का समय साहिर भाई, देखिए मेरी मम्मा ने भी बहुत वेट किया, मैंने भी, और मुझे बस आपके शो में आना है, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस कुछ नहीं मालूम, बस कुछ नहीं। 100% आएंगी जी, आप इसी थर्सडे को आएंगी, इसी थर्सडे को हम आपको 4 पासेस देने जा रहे हैं जीत के समय के। एक और कॉल विनीता जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। जानबूझ के ये जो जंगल चला रहे हैं ना, सिस्टम घुमाने वापस, अब कोई कॉल नहीं लेंगे। अल्लाह का शुक्र मैंने कॉल ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
क्या नाम है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं कायनात बात कर रही हूँ लाहौर से। कायनात में पासेस मिल जाएंगे। जी जी बोलिए बोलिए। साहिब भाई आपके शो में बस मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैंने 5 से 10 का गिफ्ट विन किया था, उससे भी पहले बहुत किया, मुझे अभी तक नहीं मिला। प्लीज अपनी टीम को कहिए ड्रेस नोट करने मेरा। क्या क्या विन किया था आपने? मैंने आपने मुझे गिफ्ट दिया था बस। तो क्या आपको अभी तक नहीं मिला है? जी अभी तक नहीं मिला है। अच्छा ओके ओके ओके, हम आपको डेफिनेटली वो पहुंचवा देंगे। आप अपना एड्रेस वगैरह और टेलीफोन नंबर है जो वो हमको दे दीजिएगा। बट बहुत शुक्रिया, छोड़ के आएंगे आपके घर पे। जी आपने आप लोगों ने एक बात बोल ली, आज सारी लेडीज बैठी हैं यहाँ पर, कॉल्स भी खवातीन की आ रही है। नहीं यूजुअली नहीं नहीं, ये आपने नोट नहीं की लगता, आप चाहती भी नहीं थी। देखती हो रोज लेडीज के लिए आती हैं। ओह इससे ज्यादा लेडीज थोड़ी कम आ रही है। और डायरेक्ट कह रहे हैं हमें उनसे ही बात करनी है। वो थक चुके हैं। मुर्बाजी ऐसा करते हैं, पासेस हम लोग बांट रहे हैं, साहिर भाई नहीं बांट। दुखी किया तुमने मुझे। नहीं वैसे वैसे सही बात है, आते आई थिंक कॉल्स जो है वो नॉर्मली पासेस के लिए आते हैं। अब वो नॉर्मली वो दौर चलेगा जब आपके लिए आती थी कॉल्स, अब वो कॉल्स आपके लिए नहीं आते हैं, वो पासेस के लिए आते हैं। अभी देखो मैं पासेस देना शुरू करूं। कहती हूं ना साहिर भाई, हमें भी पासेस चाहिए, हमने भी जीत के सभा में। हां हमें भी पासेस चाहिए, हमें भी जीत के सभा में। अच्छा अगर आप लोग प्रॉमिस करोगे कि इस थर्सडे को सुबह 9 से 11 बजे आप लोग जीत के सभा में आओगे और ऑडियंस में बैठोगे और मेरे साथ हल्ला गुल्ला करोगे तो मैं आपको 4-4 पासेस दे दूंगा। हम आपको पैसे नहीं देने वाले इसके। हाँ हाँ। बोल दिया मैंने ऑनियर। चलो जीत के सभा में आ रहे हैं, कुछ तो मिलेगा। हाँ ये बात जरूर है। आप लोग तुम्हें पता ना, तुम एक्ट्रेस हो, तुमको लोग देख के कहते वाओ ऐसा होना चाहिए, और आप तुमको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब बाइक दीजिएगा तो अच्छा, चलो गेम्स खेलेंगे। चलो बाइक अगर दे भी दी तुम क्या करोगी उस बाइक के पैसे? हम गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे साहिर आपके साथ। बेचूंगी आप लोगों को बता रहा हूँ, आज के बाद अगर 6 खवातीन को एक साथ बुलाया बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसको बाइक नहीं, इसको साइकिल दे देना। नहीं अब आपने ऐलान तो कर ही दिया, हम आपके साथ गिफ्ट बांटेंगे। और क्या चार चार ठीक है। अच्छा एक बात है चलो, आपने सिर्फ गिफ्ट बांटिएगा बल्कि मैं आपको एक एक बहुत बेशकीमत गिफ्ट भी दूंगा, लेकिन आपको इसीलिए आना जरूर है, आना बुलाना जरूर है। आ तो जाए। एक बात और आपने की, आप सबको 4-4 पासेस देंगे। जी जी ओके, 4-4 का गिफ्ट बहिश्त का गिफ्ट बहिश्त का, उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। नहीं आइएगा देखिए, बहिश्त लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ जी बोले। छोटा सा काम, रेल की पटरी पे लेटना पड़ेगा। मैं तो बहुत बार लेट चुकी, एक बहिष्ट कहते हैं उस जगह को जहाँ तुम मरने के बाद भी नहीं जाओगे। नहीं बता, लेकिन तुम्हारा दूर दूर तक बहिश्त से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा बहिश्त से कोई नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बताऊंगी। लेकिन जब शो एंड होने वाला है तो मैं जरूर बताऊंगी। आप बताइए आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि मीरा बैठी हुई है? उर्दू की मीरा। और आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे साहिल लोधी बैठे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसमें क्या हो गया, बहुत अच्छी बात है। एनीवेज जी मैं ऑडियंस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत सारी तालियां आप लोग अपने लिए बताइए। थैंक यू फॉर कमिंग। आप चूंकि मेरे नए सेट के पहले ऑडियंस हैं, इसलिए मैं आप सबको इसी थर्सडे के 4-4 पासेस जीत के समय देने जा रहा हूं। कम ऑन द शो, कम ऑन द शो, कम ऑन द शो।
विनीता, आई वांट टू से थैंक यू टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू पिंकी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फरद, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ईशा, बहुत शुक्रिया समन, बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं अभी तो मजा नहीं लगा था, शुरू हुआ था. एक आखिरी मिनट है और ये आखिरी मिनट मैं अपने शोधा के नाम करता हूँ. रीजन उसका यह है कि हमने जिस बात को शुरू किया था, म्यूजिक वगैरह बंद कर दीजिएगा. पाकिस्तान इसलिए खुशहाल है या बेहतरी की तरफ जा रहा है क्योंकि यहाँ अमन हो रहा है और इस अमन में बहुत सारे लोग काम आते हैं. शुजा खानजादा साहब के साथ 22 लोग और शहीद हुए हैं कल. अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे. हमारा दिल उनके लवाहिकीन के साथ है. अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे. पाकिस्तान है तो हम हैं. खुदा ताला पाकिस्तान की हिफाजत हमेशा करे और हमें अपनी हिदायत में रखे कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहें. आपके और मेरे दरमियान कल तक का वक्फा है. कल सुबह 9 बजे मुलाकात होगी. तब तक के लिए पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए. कीप स्माइलिंग. खुदा हाफिज़.